हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आइए बच्चे होंगे तो हमारे पास एक रियलमी का C21 Y है। इसको हम करने वाले हैं अनलॉक। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न लगा हुआ है, इसको हम करने वाले हैं अनलॉक। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत इजी तरीके से हम करने वाले हैं इसकी अनलॉकिंग। तो ये हमारे पास रियलमी C21 Y का एक मॉडल है। तो चलिए इसको हम फटाफट करते हैं अनलॉक। तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप देखिएगा, एक छोटी सी वीडियो है कैसे अनलॉक करते हैं, ये वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो है, वीडियो हम अनलॉक करने वाले हैं UMT डोंगल से। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम UMT डोंगल यहाँ पे खोलने वाले हैं। UMT का सेटअप हम खोलेंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम के ड्राइवर होने चाहिए। तो UMT का मैं स्पेक्ट्रम का टूल खोलूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टूल भी खुल चुका है। सिंपल और सिंपल आपको यहाँ पे फोन कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस। तो यहाँ पे आ रहा है सिंपल सिंपल फोन कनेक्ट, और आपको कोई भी बूट की प्रेस नहीं करना है, फोन को सीधा कनेक्ट करना है। आपको फोन कोई भी बूट की प्रेस नहीं करना है, फोन को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद फोन को सिंपल और सिंपल कनेक्ट करना है। देख सकते हैं फोन हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अपना यहाँ पे पोर्ट चेक कर लेंगे, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे गाइस, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी पोर्ट पे हमारा पोर्ट बन जाएगा SPD का, स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट बन जाएगा। जैसे ही पोर्ट बन जाएगा गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार कर लेना है रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको एक बार कर लेना है रिफ्रेश। तो यहाँ से रिफ्रेश जैसे करें, यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा। पोर्ट करने के बाद सीधा आपको फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैक्ट्री रिसेट पे आपको क्लिक कर देना है, और बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ऐसे कर देना है ओके। अब ये फैक्ट्री सेट करने के बाद देख सकते हैं गाइस, ये हमारा बूट हुआ। बूट होने के बाद सिंपल सिंपल हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से अनलॉक हो चुका है गाइस। तो चलिए देखते हैं मोबाइल स्क्रीन में जा करके कि हमारा अनलॉक हुआ कि नहीं। अब आपको दिखाएंगे अपने फ़ोन के स्क्रीन में। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत इजी प्रोसेस है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। अब सिंपल और सिंपल चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में, और देखते हैं कि हमारा ये अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो ये देख सकते हैं फ़ोन हमने डाटा केबल भी लगा ही हुआ है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसे हम करते हैं सिंपल और सिंपल, देखते हैं। बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही बूट हो जाएगा, और देखते हैं कि कम्प्लीटली हमारा ये जो अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो एक सिंपल सा ट्रिक था, एक मतलब बहुत ही कम समय में आप यहाँ पे देखा कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया, और बहुत इजी तरीके से हो चुका है। तो चलिए सेकेंड बोर्ड पे चला गया गाइस। अब सेकेंड बोर्ड पे जाने के बाद फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा, और फ़ोन अगर FRP पे भी जाता है तो वीडियो को आप लास्ट दिन तक देखिएगा, नहीं तो फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये वही फ़ोन है जैसा कि आपने देखा था स्टार्टअप में। अभी ऑन होने के बाद हम देखते हैं कि आगे का प्रोसेस। तो जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें FRP भी लगी होती है, तो FRP, तो इसको हटाने के लिए सिंपल और सिंपल आपको आ जाना है, बैक आ जाना है गाइस। देख सकते हैं सिंपल सिंपल बैक आ जाना है, और इमरजेंसी में जा करके आपको इमरजेंसी कॉल में जाना है, और बैक आना है। बैक आने के बाद आपको इमरजेंसी में जाना है, और इमरजेंसी में जाने के बाद *813# आपको डायल कर देना है, और ये फटाक से ओपन हो जाएगा, चुटकी में गाइस अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा स्क्रीन जो पैटर्न लॉक था वो अनलॉक हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा एक तरीका था, जैसे कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो अभी तक के लिए फिलहाल थैंक यू सो मच।